हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयशा। आज हम देखने वाले हैं वीएमवेयर में आने वाली ईएफआई एरर और उसको कैसे रिजोल्व करना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है वीएमवेयर और फिर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन और चूज ऑप्शन कस्टम एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट और यहां से आप फाइल सिलेक्ट करनी है और उसको ब्राउज करना है। आपकी फाइल जहाँ पर भी हो फाइल को आईएसओ फाइल को वहाँ पर रखना है। मेरी फाइल है वो फिर रखकर ओपन फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जाना है फिर फर्मवेयर टाइप्स सिलेक्ट करना है जो यूएफआई है। फिर आप यहाँ पर प्रोसेसर आपको चाहे इतना आप सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ कोर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कोर सेट करती हूँ 2। फिर नेक्स्ट फिर यहाँ पर आपको रैम सेट करनी है। मैं वो करूँगी 4 GB रैम। फिर नेक्स्ट और यहाँ पर सिलेक्ट करना है यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फिर यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेड है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी रिकमेंडेड है और फिर यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क करनी है इसलिए नेक्स्ट और डिस्क की साइज अपने को सिलेक्ट करनी है। साइज सिलेक्ट कर नेक्स्ट ऑप्शन फिर यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट करना है फिर फिनिश कर एंड। ये है ईएफआई एरर। आज अब देखते हैं कि कैसे इसको रिजॉल्व करना है। सबसे पहले अपने टैब में जाकर टैब में राइट क्लिक करना है और पावर ऑप्शन में जाकर शट डाउन मशीन करना है और फिर एडिट ऑप्शन में जाना है और एडिट वर्चुअल मशीन करना है और यहाँ पर ऑप्शन में जाना है और एडवांस में एडवांस में जाकर आपको यहाँ 2 फर्मवेयर टाइप है बायोस एंड यूएफआई। उसमें से आपको बायोस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है और फिर से पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। और ये एरर रिजॉल्व हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।